टू सनराइज गेम्स। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं विचर 3 द वाइल्ड हंट। पीसी के लिए ये गेम है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है कवर का फ्रंट, ये पीसी डीवीडी रोम। पीसी के लिए ये गेम है, गेम ऑफ द ईयर एडिशन है ये। ये हार्ट ऑफ स्टोन, ब्लड एंड वाइन 16 डीएलसीज भी इसके साथ आएंगे। इस गेम ने 800 से ज़्यादा अवार्ड्स जीत लिए हैं अभी तक। 18 प्लस गेम है ये। सीडी प्रोजेक्ट रेड ने इस गेम को बनाया है। ये देखिए, ये है फ्रंट, अच्छे से देख लीजिए। विचर द वाइल्ड हंट पे हमारे करेक्टर का फोटो भी है। तो अब साइड में देखते हैं क्या है। वही पीसी डीवीडी की प्रिंटिंग करी हुई है, और यहाँ पर गेम के नाम के बारे में बताया गया है। तो विचर 3 की भी प्रिंटिंग हो रही है, विचर 3 वाइल्ड हंट गेम ऑफ द ईयर एडिशन। तो पीछे की तरफ देखते हैं दोस्त, क्या है इसके। ये देखिए, यहाँ पे क्रिएटर्स फैंटेसी एडवेंचर ऑफ दिस जनरेशन, गेम ऑफ द ईयर, गेम ऑफ द ईयर, गेम ऑफ द ईयर। तीन मेन क्रिटिक्स, गेम क्रिटिक्स होते हैं, उनकी तरफ से इनको अवार्ड मिला है। IGN ने 2015 में अवार्ड दिया था गेम ऑफ द ईयर का। फिर गेम अवार्ड्स में भी गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। फिर गेम स्पॉट में भी गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बिकम अ विचर वन ऑफ द लास्ट मॉन्स्टर स्लेयर्स फॉर हायर जर्नी थ्रू वॉर टू किंगडम टू ट्रैक डाउन द चाइल्ड ऑफ प्रोपल्सन लविंग वेपन कैपेबल ऑफ अनचोल्ड खर्चा लिखा है ऐसा। और यहाँ तीनों एडिशनल एडवेंचर इस गेम के साथ आते हैं। गेम ऑफ द ईयर एडिशन है ये, याद रखिए। यहाँ पे और एडिशन भी अवेलेबल हैं इस गेम के लिए। यहाँ पे देखिए, गेम ऑफ द ईयर एडिशन अगर खरीदते हैं तो हार्ट ऑफ स्टोन एक्सपेंशन पैक मिलता है, ब्लड एंड वाइन 16 डीएलसीज भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे कुछ पोस्टर्स भी, कुछ फोटोज, थोड़े स्पॉन्सर्स के नाम। यहाँ पे देखिए, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट दे रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 रिकमेंड कर रहा है, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, 64 बिट ज़्यादा रिकमेंड कर रहा है। और यहाँ डायरेक्टर्स वर्जन 11 चाहिए इसको, प्रोसेसर i5 ही। आप याद रखिए कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, रिकमेंडेड नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि ये मिनिमम आपके पास होनी ही होनी चाहिए। यहाँ रिकमेंडेड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स i7 चाहिए, रैम वहाँ पे चाहिए थे 6GB, और हार्ड ड्राइव आपके 50GB फ्री तो होनी ही चाहिए। और यहाँ पे भी 8GB रैम चाहिए आपको अगर फुल स्मूथ चलाना है ये गेम। और यहाँ पे फिर विचर के ट्रेडमार्क्स और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पे साइट के बारे में www.witcher.com। यहाँ पे थोड़ा 18 प्लस है ये गेम, बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल है, वायलेंस है थोड़ा। सबटाइटल्स के बारे में बता रखा है, सबटाइटल्स अवेलेबल है इंग्लिश में, रशियन में, पॉलिश में, और एक्सेट्रा, पता नहीं कौन सी लैंग्वेजेस हैं। वॉइस ओवर्स इंग्लिश में है, रशियन में है, पॉलिश में है। तो ये था हमारे गेम का कवर। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। मैं ओपन किया तो यहाँ से इस तो सीडीज आई। ये यहाँ पे स्टिकर गेम ऑफ द ईयर एडिशन के साथ आता है। एक मैंने यूज़ कर लिया है, एक आप भी देख लीजिए, पास से देख लीजिए, स्टिकर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे साइड में रखते हैं। फिर यहाँ पे, यहाँ पे कुछ पैम्फलेट सा दे रखा है, बिक्विट द फीचर कार्ड गेम ऑफ द वाइल्ड कार्ड कुछ दे रखा है। यहाँ पे पीछे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ गेम का कोड दे रखा है। फिर इंस्टॉलेशन के बारे में, वह मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। वैसे इसको साइड में रख देते हैं। ये देखिए हमारी पहली डिस्क, आप देख सकते हैं ध्यान से। ये देखिए, गेम ऑफ द ईयर एडिशन है, गेम डिस्क 1 विचर 3 वाइल्ड हंट। यहाँ पे सीडी प्रोजेक्ट रेड का पोस्टर, और यहाँ पे रेड इंजन का थोड़ा सा प्रिंटिंग करी हुई है। यहाँ पे 18 प्लस है गेम, प्रिंटिंग विचर की, वॉल्फ सबसे अच्छा प्रिंटिंग फोटोज में से नंबर 1 मुझे विचर के लिए यही लगता है। अब हम दूसरी साइड लाइट हैंड साइड चलते हैं। तो दूसरी डिस्क दे रखी है, इसका स्टाइल बड़ा अच्छा है इसको आगे पीछे करने में। ये यहाँ पे डिस्क 3 दे रखी है इसके पीछे। फिर यहाँ पे जाए तो डिस्क 4, डिस्क 5 दे रखी है।
यहाँ पे लास्ट में 6 यहाँ पे 6 डिस्क हैं, इसमें सबको इंस्टॉल करेंगे तब आपका गेम चल जाएगा। तो ये कुछ था हमारा विचर 3 का, बाकी कुछ नहीं है इसमें अंदर, तो इसे हम पूरा एक कंप्लीट ले लेते हैं। तो ये है, देख लीजिए आप ढंग से। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो विचर 3 द वाइल्ड हंट की, और